हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा प्लेयर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां अभी हमने देखे कैरेक्टर को लेके कॉन्सेप्ट और अब हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को। मैंने आपको अभी बताया था कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ASCII वैल्यू क्या होती है। ओके, अपर और लोअर कैरेक्टर के ASCII वैल्यू में 32 का डिफरेंस होता है। कुछ प्रोग्राम्स अभी हमने बोर्ड पे देखे हैं, तो चलिए उसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं ताकि आप कंफर्म हो जाएं कि हाँ ASCII वैल्यू होती है और ASCII वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे शुरुआत करेंगे कैरेक्टर की साइज को लेके। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम हम बनाते हैं, टेस्ट कैर डॉट सीपीपी, ठीक है। और सबसे पहले हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट सॉरी ओके हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर लिखा यूजिंग नेम स्पेस रेडी स्टैंडर्ड एंड देन इंटीजर मेन, ठीक है, एंड देन रिटर्न जीरो, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। और आप देखिए, यदि मान लो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और मुझे इसकी साइज पता करनी, तो आप दो तरीके से कैरेक्टर की साइज पता कर सकते हैं। जैसे यदि मैं लिखता हूँ साइज ऑफ, ओके, तो यदि आपने साइज ऑफ में डायरेक्टली कैरेक्टर लिख दिया ए, ठीक है, यदि आपने डायरेक्टली लिख दिया सी आउट साइज ऑफ ए एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम, आप देखिए क्या साइज हमें मिलती है यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई गेट द रिजल्ट 1 हियर, ये देखिए आप, ये 1 आ रहा है, ओके। और अगर आप इसको टर्मिनल पे भी देखेंगे सो दैट यू विल गेट 1। अगर आप मान लो मैं टर्मिनल पे इसको रन करता हूँ, ठीक है, एंड आई सिंपली राइट डॉट स्लैश और प्रोग्राम का नाम है टेस्ट कैर, ठीक है, सो आई गेट 1 हियर, सी दिस 1। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमेशा अपन प्रोग्राम को टर्मिनल पे रन करके जब देखेंगे तो हमें बार बार टाइप ना करना पड़े, ओके। तो यहाँ पर, और या फिर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखता हूँ सी एच, ठीक है, यदि मैंने सी एच किया एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम सो अगेन आई विल गेट 1 हियर। और यदि आप चाहते हैं कि प्रोग्राम में हर बार स्क्रीन क्लियर हो, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, याद करो, हैश डिफाइन सी एल आर एस सी आर को रिप्लेस कर दीजिए सिस्टम टी एल एस के साथ, है ना, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि since CLRSCR is not supported in VS Code, so we are using this alternate way of CLRSCR, right? तो अब अगर मैं इसको run करता हूँ, so again I'll get 1 here, see this one. और अगर आप terminal पे भी इसका output देखेंगे, तो आपको 1 मिलेगा. So this is what the size of character, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि if in some languages it supports 2 byte of character, right? लेकिन in C++ the character is of 1 byte, right? तो अब यदि मान लो हम इस 1 byte के character को लेके ASCII वैल्यू की बात करें, तो मैंने अगर लिखा CH इक्वल टू A, ठीक है, CH इक्वल टू A, और आप देखिए अगर मैं A में सिंगल कोट नहीं लगाता हूं, जैसे मैंने आपको भी क्लास में बताया था, तो ये एरर आ रही है, सी दिस वन, है ना, आइडेंटिफायर A इज नॉट, A इज अनडिफाइंड, तो A को वो प्रोग्राम वेरिएबल कंसीडर कर रहा है, जबकि हमें यहां पर बताना है कि दिस A इज एक्चुअली अ वैल्यू, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस A इन सिंगल कोट। तो जब हमने इसको सिंगल कोट में रिप्रेजेंट किया, और अब यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं सी आउट CH, okay, so I'll get the character value here, ये देखिए आप, okay, return 0, I think some semicolon error, ठीक है, तो यदि मैं इसको run करता हूँ, ठीक है, तो I'll get result A here, ये देखिए आप, A मिल रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर हम CLRSCR लिख देते हैं, this is after character, this is CLRSCR, okay, so जब भी आप character में कोई, ये देखिए आप, A output आ रहा है हमारे पास, right? और अगर मान लो इस कैरेक्टर की मुझे ASCII वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा था अभी, कि यदि आपको किसी भी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू पता करना है, और आप देखिए एक और चीज, पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यदि मान लो मैं इस कैरेक्टर में असाइन करता हूँ 65, यदि मैंने दे दिया 66 सपोज, ठीक है, तो आपने कैरेक्टर में इंटीजर दिया है, तो 66 जिस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होगी, ठीक, जहां पर हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोग्राम में, प्रोग्राम फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप, ताकि ऊपर आप कमेंट जरूर लिखें, ठीक है, ये प्रैक्टिस ही रखें आप, प्रोग्राम फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप, राइट। तो अब अगर मैंने सीएच में 66 दिया है, तो इसका मतलब है इस कैरेक्टर में जो वैल्यू असाइन होगी वो होगी कैपिटल बी, क्योंकि 66 ASCII वैल्यू है किसकी, कैपिटल बी की, सो लेट्स सी, आप देखो यहां पे यू विल गेट कैपिटल बी हियर। और यदि मान लो मैं यहां पर जस्ट इसके अपोजिट बात करता हूं, ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूं, यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर, सपोज इंटीजर ए, और अगर ए में मैंने असाइन कर दिया कैपिटल बी, और ए को प्रिंट करता हूं मैं, मतलब दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझो, अगर मैं ए को प्रिंट करता हूं तो बी
एक कैरेक्टर वैल्यू है। जब आप उसको इंटीजर में असाइन करोगे तो आपका प्रोग्राम उस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू में असाइन कर देगा। रीजन कि आपका जो a है वो int टाइप का वेरिएबल है, तो int की जो रेंज है, सॉरी int का जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी है वो इंटीजर है, तो आपका b का इंटीजर वैल्यू a में असाइन हो जाएगा। और यदि मैं इसको रन करता हूं, सो आई गेट हियर 66। ये देखिए आप, ये 66 मुझे मिल रहा है। तो यहां आपको एक चीज समझ में आई होगी कि कैरेक्टर को हम दो तरीके से एक्चुअली यूज करते हैं, एक उसकी ASCII वैल्यू होती है और एक उसकी कैरेक्टर वैल्यू होती है, राइट। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने क्लास में भी बोला था डेटा टाइप इज अ लाइफलाइन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डेटा कौन कौन सा होता है, वो किस तरीके से यूज होता है, आप कोड कैसे लिखोगे। और आप देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर इज ऑलवेज बी, ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि कैरेक्टर इज ऑलवेज बी अ सिंगल कोड वैल्यू, राइट। तो यदि आप सिंगल कोड में एबीसी लिखोगे, इफ सपोज यू कैन राइट एबीसी, दिस इज एन, सी दिस वन, इफ आई रन दिस, ये प्रोग्राम देखो क्या प्रिंट कर रहा है, सी। तो क्या करा उसने, जो लास्ट वैल्यू है वो कंसिडर कर ली। मतलब अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर दोगे, मान लो आपने लिख दिया सपोज डेटा प्लेयर, ये मैंने सिंगल कोड में लिख दिया, तो इसकी कैपेसिटी तो एक ही कैरेक्टर की है ना। तो यदि आप इसमें पूरी की पूरा स्ट्रिंग भी लिख दोगे तो ये लास्ट वैल्यू कंसीडर करेगा, एंड दैट इज आर सी दिस वन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि आप कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे जब हमें इस तरीके का डेटा यूज करना होगा, सो विल गो फॉर डबल कोट्स, वहां पर हम डबल कोट्स को यूज करेंगे, राइट। लेकिन डबल कोट्स को भी अगर आप यहां यूज करोगे तो ये एरर है। इसलिए एरर है क्योंकि आपका वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर में स्ट्रिंग नहीं आ सकती, कैरेक्टर इज ऑलवेज फॉर सिंगल वैल्यू। तो अगर आप उसमें स्ट्रिंग दे भी रहे हैं तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, वो जो सबसे लास्ट वैल्यू है उसको कंसिडर कर रहा है। सिमिलरली आप देखो, जैसे हमने बात की थी कि अगर आप कैरेक्टर में कोई नंबर भी असाइन करते हैं, मान लो सिंगल कोट में मैंने लिख दिया 9, तो दिस 9 इज नॉट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स नॉट अ नंबर, इट्स अ न्यूमेरिकल कैरेक्टर। लेट्स सी, यदि आप इसको रन करते हैं, ठीक है, यदि मैंने लिखा आई विल गेट 9 हियर, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इस, देखो आप डिफरेंस देखो आप, यदि आपने लिखा कैरेक्टर 10 और अगर आपने लिख दिया सपोज कैरेक्टर 10, ओके, तो इस CH में एक्चुअली वैल्यू 10 नहीं है, इट्स अ कैरेक्टर 10, गॉट इट। मतलब यहां पर अगर आप लिखोगे CH इक्वल टू CH प्लस 20, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई 30 रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इंटीजर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, दिस इज नॉट एन इंटीजर ऑपरेशन, सी यू विल गेट समथिंग डी हियर, क्योंकि जो ASCII वैल्यू है ये इंटरनली ASCII वैल्यू को यूज कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट 10 एंड 10, न्यूमेरिकल 10 और कैरेक्टर 10, इन दोनों में डिफरेंस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, गॉट इट। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन की, ओके। और यहां पर जैसे मैंने आपको बोला, यू कैन नॉट यूज एनी अल्फाबेट रादर देन इंग्लिश, कि अगर आप इंग्लिश के अलावा कोई कैरेक्टर यूज करते हैं तो इट कैन नॉट सपोर्ट, बिकॉज द कैरेक्टर कैन नॉट हैविंग दैट ASCII वैल्यूज, क्योंकि कैरेक्टर 8 ASCII 8 की हम बात कर रहे हैं, गॉट इट। तो यहां पर ये तो भी हमने बात की कैरेक्टर को लेके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट की, लेकिन अब आप देखिए जो प्रोग्राम हमने कैरेक्टर को लेके देखे थे, कि यदि आपको एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू पता करना है तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल लिया, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। अब यूजर से हमने स्कैन किया कैरेक्टर, मैसेज क्या दिया, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, वो हमने रीड कर लिया सी इन सी एच। और अभी मैं आपको मल्टीपल तरीके से कैरेक्टर स्कैनिंग बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी तो आप केवल एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर मैंने यूजर से एक कैरेक्टर स्कैन किया है, ठीक है, यदि आपने लिखा सी इन सी एच, ठीक, तो यदि मैं एक्स में कन्वर्ट करता हूं इंट को और सी एच को असाइन करता हूं, एक्स इक्वल टू इंट ऑफ सी एच, और यहां पर अगर आपने लिख दिया सी आउट कैरेक्टर वैल्यू इज, ठीक है, कि इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या है, तो ये कैरेक्टर वैल्यू है सी एच, ठीक है, और फिर हमने लिखा सी आउट ASCII वैल्यू इज, तो जब आप कैरेक्टर, सॉरी ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो जावा का कोड है, सॉरी, ASCII वैल्यू इज, तो यदि मैं इस सी एच को एक्स में असाइन कर दूंगा डायरेक्टली, तो ये क्या करेगा, ये सी एच में इसकी ASCII वैल्यू असाइन कर देगा, सॉरी वो बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक मैंने उसको टाइप कास्ट लिख दिया था, वो एक्चुअली जावा का कोड है, यहां पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट राइट डाउन एक्स इक्वल टू सी एच। तो जब मैं एक कैरेक्टर को इंटीजर में असाइन करूंगा, सो आई विल गेट ASCII वैल्यू ऑफ दिस कैरेक्टर, तो आप देखो मुझे दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी, एक कैरेक्टर वैल्यू और एक उसकी ASCII वैल्यू, ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं CLR SCR, क्लियर है। सो नाउ इफ आई रन दिस कोड, और आप देखिए यदि मैं यहां पर कैरेक्टर एंटर करता हूं B,
I'll get character value is B, ASCII value is, ASCII value is CH print नहीं करना है, X print करना है, क्योंकि ASCII value हमारे पास X में है, ठीक है, this X consists in ASCII value, so now if I run this, मैंने इसको run किया, and this is suppose B, तो character value is B, ASCII value is 66, similarly, यदि मैं second time इसको run करता हूँ, and if I want to know that what is the ASCII value of a small n, 1110, तो कभी भी आपको, अगर आपको पता करना है, what is the ASCII value of, suppose क्वेश्चन मार्क, ये बता दिया उसने 63, तो किसी भी कैरेक्टर की जितने भी कीबोर्ड में आपके कैरेक्टर हैं आपने बोला एट द रेट, ठीक है, व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ एट द रेट, उसने बता दिया कैरेक्टर इज एट द रेट, ASCII वैल्यू इज 64, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द ASCII वैल्यू ऑफ एनी कैरेक्टर की, जब भी आपको किसी कैरेक्टर की ASCII वैल्यू पता करना है, सो दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ASCII वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर, got it? तो I hope concept आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम character की ASCII value को find out कर सकते हैं, character किस तरीके से use होता है, ये सारे concept बहुत important है, थोड़ा सा focused होके आप इनको समझिए, right? अब यहाँ पे अगर suppose मैंने आपसे बोला कि ये तो चलिए ASCII value की बात हुई, लेकिन अगर मान लो, अगर हम, मैं ये आपसे बोलता हूँ कि बस मुझे एक lower case character को convert करना है upper case में, हाउ टू कन्वर्ट ए कैरेक्टर फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, तो यहां पर जैसे मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि बॉस देयर इज अ लॉट ऑफ वैलिडेशन रिक्वायर्ड इन दिस प्रोग्रामिंग, लेकिन अभी हम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हैं, तो आप देखिए एक लोअर से अपर केस का प्रोग्राम हम यहीं पे बनाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम कैरेक्टर डेटा टाइप को लेके सी प्लस प्लस में आगे भी कोड लिखेंगे, और बच्चे बहुत फोकस होके समझिए, क्योंकि बार बार मैं आपसे लगातार एक ही बात कह रहा हूं कि डेटा टाइप इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए बहुत फोकस होके, यहाँ चॉइस नहीं है हमारे पास कि ये सर समझ में नहीं आ रहा है, ये चॉइस ही नहीं है आपके पास, समझना ही पड़ेगा, गॉट इट? तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि यदि मान लो आपके पास एक कैरेक्टर आपने यूजर से लिया है, तो मुझे उसके ASCII वैल्यू प्रिंट नहीं करना है, मुझे आपने मैसेज दिया एंटर अ कैरेक्टर इन लोअर केस, हमने यूजर से कैरेक्टर लिया लोअर केस में और अब उसको कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो सिंपल क्या करेंगे हम, जो भी कैरेक्टर है उसमें 32 माइनस कर दो आप, ठीक है, और यहां पर आप लिख दो, या तो आप डायरेक्टली प्रिंट करते टाइम भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट हियर, ठीक है, ये हमने लिख दिया अपर केस इज, ठीक है, और ये हमने प्रिंट कर दिया सी एच, ठीक है, कि आपका जो कैरेक्टर है वो नाउ इट प्रिंट्स इन अपर केस लेटर, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं, लेट्स सी, अब हमें एक्स की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है, मैं एक ही प्रोग्राम में सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए आप, अगर मैंने कैरेक्टर दिया वाई, इसने मुझे दे दिया अपर केस इज कैपिटल वाई, सेकंड टाइम में अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं, सपोज मैंने लिख दिया क्या नाम है टेस्ट कैर, ठीक है, सेकंड टाइम मैंने अगर दिया जी, इसने मुझे दे दिया कैपिटल डी, थर्ड टाइम में अगर इसको रन करता हूं, सपोज मैंने लिखा ए, This is capital A, ठीक है, लेकिन अगर आप capital A दे दोगे तो फिर वो प्रोग्राम कुछ और ही मैसेज दे देगा, यदि आप यहाँ पे एट द रेट दे दोगे तो आपको कुछ अलग रिजल्ट मिलेगा, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि अभी हमने यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं लगाए, तो ये प्रोग्राम गलत इनपुट पे गलत रिजल्ट देगा, अभी हमने बात की है लोअर केस से अपर केस कन्वर्जन की, सिंपल सा कोड है अभी, इसमें बहुत सारे कोड अभी तो मिक्स होंगे आगे जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और यदि आप ठीक अपोजिट बात करना है कि ये लोअर से अपर की जगह अपर से लोअर, तो यहां पर हमने यूजर से अपर कैरेक्टर लिया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में, लेट्स सी, ठीक है, और यहां क्या कर दिया प्लस 32, तो अगर आप प्लस 32 करोगे एंड इफ आई रन दिस कोड, ठीक है, तो अब मैंने दिया मान लो अपर से लोअर ए, ये आपको स्मॉल ए मिल गया, यदि मैं इसको रन करता हूं, सपोज मैंने दिया टी, तो ये स्मॉल टी मिल गया, सो दिस इज हाउ टू वर्क विद द कैरेक्टर डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, कि किस तरीके से आप कैरेक्टर को यूज करेंगे, कैरेक्टर ASCII वैल्यू क्या होती है, ठीक है, कैरेक्टर को रीड किस तरीके से करना है, और जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यदि आप सपोज करो एक कैरेक्टर को रन टाइम पे सिंगल कोड दे दोगे तो आपको समझ में आ रहा है क्या करेगा वो, यदि आपने सी एच लिया, ठीक है, सी आउट सी एच, और अगर आप इसको इस तरीके से एंटर करोगे, मान लो आपने दे दिया सिंगल कोड ए, सिंगल कोड ए सिंगल कोड, तो वो सिंगल कोड प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो लास्ट वैल्यू प्रिंट करता है, राइट, तो ये गलती है रन टाइम पे ना करें, क्योंकि रन टाइम पे अगर आप एक से ज्यादा कैरेक्टर दोगे तो इट कंसीडर द लास्ट वन, ओके, सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक प्रोग्राम जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने क्लासरूम में समझा, बोर्ड पे समझा, और इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को
हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और यदि वीडियो समझ में आ रहे हैं तो बॉस बिना देर किए दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और बने रहिएगा इस कोर्स में, क्योंकि श्योरिटी गारंटी मेरी है आपसे। मैं केवल एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, रेगुलरिटी, कि आप इस पूरे लेक्चर्स को, पूरी सीरीज को बिना कट किए, बिना स्किप किए आप इसको देखें, पढ़ें और समझें। और बाकी तो मेरी श्योरिटी है बॉस इंटरव्यू क्लियर करने की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस कोर्स में, और मैं मुलाकात करता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।